नमस्कार दोस्तों, लव यू हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण से अस्थमा के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वसन नलिकाओं को प्रभावित करती है। अस्थमा के दौरान खांसी, नाक का बंद होना या बहना, छाती का कड़ा होना, रात और सुबह में सांस लेने में तकलीफ होना होता है। हालांकि आयुर्वेद में अस्थमा का इलाज संभव है। अस्थमा के रोगी को अस्थमा का अटैक पड़ जाने से जान का जोखिम भी रहता है, जिससे उनकी श्वसन नलिकाएं पूरी तरह बंद हो सकती हैं और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति भी ठप हो सकती है। आयुर्वेद से अस्थमा जैसे गंभीर बीमारी का इलाज होता है। लहसुन अस्थमा के इलाज में काफी कारगर होती है। तुलसी अस्थमा को नियंत्रण रखने में लाभकारी होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अस्थमा का आयुर्वेद में इलाज, तो आइए जानते हैं। पहला उपाय है केला। एक पके केले को छिलके सहित सेक कर बाद में उसका छिलका हटाकर केले के टुकड़े में पिसी काली मिर्च डालकर गरम गरम रोगी को देने से अस्थमा के रोगी को राहत मिलती है। दूसरा आता है लहसुन। लहसुन अस्थमा के इलाज में काफी कारगर साबित होती है। अस्थमा रोगी लहसुन की चाय या 30 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां उबालकर और इस मिश्रण को हर रोज सेवन करने से अस्थमा में शुरुआती अवस्था में काफी फायदा मिलता है। तीसरा उपाय आता है अजवाइन और लौंग द्वारा। गर्म पानी में अजवाइन डालकर स्टीम लेने से भी अस्थमा को नियंत्रण करने में राहत मिलती है। यह एक घरेलू उपाय काफी फायदेमंद है। इसके अलावा 4-5 लौंग लें और 125 मिलीलीटर पानी में 5 मिनट तक उबालें। इस मिश्रण को छानकर इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं और गर्म गर्म पी लें। हर रोज 2 से 3 बार यह काढ़ा पीने से मरीज को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। चौथा उपाय आता है तुलसी द्वारा। तुलसी अस्थमा को नियंत्रण करने में काफी लाभकारी होती है। तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह साफ करें, उनमें पीसी काली मिर्च डालकर खाने के साथ देने से अस्थमा नियंत्रण में रहता है। इसके अलावा तुलसी को पानी के साथ पीसकर उसमें शहद डालकर चाटने से भी अस्थमा में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके कुछ अन्य उपाय भी हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। अस्थमा का अटैक बार बार ना पड़े, इसके लिए हल्दी और शहद मिलाकर काटना चाहिए। अस्थमा आमतौर पर एलर्जी के कारण भी होता है। ऐसे में एलर्जी को नियंत्रण रखने के लिए आप दूध में हल्दी डालकर रोगी को पिला सकते हैं। शहद व कपूर की गंध को अस्थमा के रोगी को सुंघाने से आराम मिलता है। अस्थमा में आम के पत्तों की चाय भी काफी लाभदायक होती है। दोस्तों, आंवला खाना भी ऐसे में अच्छा रहता है। आंवले को शहद के साथ अगर खाया जाए तो और भी लाभ मिलता है। सरसों के तेल को गर्म कर छाती पर मालिश करने से दमे के दौरे के दौरान आराम मिलता है। मेथी के बीजों को पानी में पकाकर पानी जब काढ़ा बन जाए तो उसे पीना अस्थमा में लाभकारी होता है। दोस्तों, इन टिप्स को अपनाकर आप निश्चित तौर पर अस्थमा पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जरूरी यह भी है कि रोगी को धूल, मिट्टी और धुएं से दूर रखा जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। और हमारी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल लव यू हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य उपयोगी उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।